हे गाइस, वेलकम टू एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन, विच इज़ नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमें 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है किसके थ्रू, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वो अभी हम बताते हैं कि कैसे होता है। सो एक नॉर्मल जो नंबर लाइन होती है वो कुछ इस टाइप से बनती है कि यहाँ पे जीरो, या फिर हम सेंटर में भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। इस तरीके से कुछ हमारी नंबर लाइन बनती है। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, अब थ्री के बाद डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हैं, यानी कि हमें इन दोनों के बीच में, थ्री और फोर के बीच में आएंगे ना, 3.765 है। अगर हम पीछे की टू दो डिजिट को भूल जाते हैं तो 3.7 किसके बीच में आएगा, थ्री और फोर के बीच में। तो हमें क्या करना है, थ्री और फोर को हाईलाइट करके इनको मैग्नीफाई करके दिखाना है। मैग्नीफाई मतलब कि इनके बीच के जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको दिखाना है। ऐसे यहाँ पे आएगा थ्री क्योंकि थ्री है, और थ्री के बाद आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और एंड में आएगा फोर, राइट। अब ध्यान से देखिए, 3.765, थ्री हमने यहाँ शो कर दिया, 3.7 पॉइंट के बाद सेवन है, विच इज़ हियर 3.7, और सेवन के आगे भी हमें सिक्स दिखाना है। तो हमने 3.7 और उससे अगले डिजिट 3.8 को मार्क किया, हाईलाइट किया, और उसके बाद इसको भी और मैग्नीफाई कर दिया। अब इसको मैग्नीफाई करने के लिए क्या करना होगा, सी 3.7 आ जाएगा यहाँ, उसके बाद जो इनके अंदर जो सब पॉइंट्स आएंगे 3.7 एज इट इज़ रहेगा, आगे 1 लग जाएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और एंड में क्या आएगा 3.8, राइट। अब 3.7 तक हमने यहाँ शो कर दिया, 7.6 कहाँ आ रहा है, 3.76 यहाँ आ रहा है, तो हमने इसको और इससे नेक्स्ट वाले को हाईलाइट किया क्योंकि हमें अभी एक और डेसिमल को शो करना है, अभी भी पूरा शो नहीं हुआ है, तो हमने इसको एक और हाईलाइट कर दिया। ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे मैग्नीफाई किया है, अब इसको और मैग्नीफाई किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3.76, फिर 3.76 एज इट इज़, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 769 के बाद आएगा एट द एंड 3.77, यानी कि ये जो पॉइंट्स आए हैं ये 3.76 और 3.77 के बीच के पॉइंट्स हैं। अब हमें शो क्या करना है पूरा 3.765, तो यहाँ पे हमें कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा, ये हो गया हमारा 3.765 नंबर लाइन पे शो कर दिया है हमने इसको, और विद यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से इसको शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट से पहले, यानी कि डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसको, उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को मैग्नीफाई किया, यानी कि अगर हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं तो ये इस तरीके से उसके अंदर के पॉइंट्स नज़र आएंगे। फिर हमें और आगे फर्दर करना है, तो हमने क्या किया, 3.7 है तो 7 और उससे अगले डिजिट पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखा तो उनके बीच के 10 पॉइंट ही आ जाएंगे। फिर 3.76 है, 3.76 और उससे नेक्स्ट डिजिट पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, उसके अंदर के 10 पॉइंट्स ये आ जाएंगे, जिसमें कि हमारा एक पॉइंट ये होगा। सो आप देख लीजिए। गाइस, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेज विजुअलाइज 4.26 बार। 4.26 बार का क्या मतलब है, 4.26, 2626 एंड सो ऑन, जहाँ पे 26 इज फर्दर रिपीटिंग, राइट। उसके बाद हमें उसको नंबर लाइन पे शो करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगी, 1, 2, 3, 4,
तो हमें क्या शो करना है नंबर लाइन पे, 4.2626. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले नॉर्मल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. अब फर्स्ट डिजिट क्या है, 4. तो 4 और 4 के आगे वाली डिजिट यानी कि 5, इन दोनों को क्या करेंगे हम, मैग्नीफाई. राइट. सो स्टार्ट करते हैं 4 से. 4 के बाद आएगा 4.1, उसके बाद आएगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और एंड में 5, जो कि ये है. अब 4 के बाद, पॉइंट के बाद देखिए क्या है, 2. राइट. सो 4.2 यहाँ शो हो गया और उससे अगली वाली डिजिट को हम और मैग्नीफाई करते हैं इस तरीके से. यहाँ लिख दिया 4.2, फिर 4.2 एज इट इज, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और एंड में 4.3. डन. 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 तक तो हमने यहाँ शो कर दिया. अब 26 करना है, तो 4.26 कहाँ आ रहा है, ये. इसको और इसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि 27 को और हाईलाइट करेंगे हम. अब यहाँ आ गया 4.26. 4.26 को एज इट इज रहने देंगे. 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 and at the end 4.27. राइट. अब हमने 26 तक तो यहाँ शो कर दिया. 26 के बाद क्या है, अगेन 2. सो 4.262 कहाँ है, ये रहा. तो इसको और इसके अगले डिजिट को और मैग्नीफाई करना होगा हमें, क्योंकि हमें बोला गया है कि अप टू 4 प्लेसेस तक करना है. सो 4 प्लेसेस तक ही करके हमें दिखाना होगा. 4.262 तो आ गया हमारा यहाँ पे. उसके बाद आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.624, 4.625, 4.626, 4.627, 4.628, 4.629 and at the end 4.263. सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमें 4.2626 को शो करना है. तो क्या इस लाइन में हमारे पास 4.2626 आ रहा है, बिल्कुल. सो ये हम हाईलाइट कर देंगे और दिस इज द आंसर. ध्यान से देख लीजिए, नंबर लाइन पे शो करना है 4 डेसिमल्स प्लेसेस तक. 4.26 बार है, उसको हमने आगे फर्दर रिपीट किया. 4 डेसिमल्स प्लेसेस का मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स. हमने वो लिखा 4 से 5 के बीच में, मैग्नीफाइंग ग्लास रखा तो उनके बीच में ये 10 पॉइंट्स आ गए. 4 के बाद पॉइंट के बाद 2 था, तो 4.2 और 4.3 के बीच में पॉइंट्स देखे, इसको मैग्नीफाई किया और 10 पॉइंट्स आ गए. 4.26 लिखा, फिर 4.27 इन पे मैग्नीफिकेशन ग्लास रखा तो ये पॉइंट्स आ गए. फिर 4.262 और 263 के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास रखा तो ये पॉइंट्स आ गए, जिसमें कि हमें ये वाला आंसर हमारा हमें मिल जाएगा. गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा. एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.